आप सभी का स्वागत है सबलाइम क्लासेस में। और अभी हम बात कर रहे हैं एक वैकेंसी की जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आपके लिए अगर आपका सब्जेक्ट मैच करता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ वैकेंसी परमानेंट हैं, कुछ एडहॉक बेसिस हैं, गेस्ट लेक्चर की हैं। तो आप फिलहाल इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अभी जो हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। अनाउंसमेंट में जैसे ही आप क्लिक करोगे अंदर, तो यहाँ पर नोटिस है एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर गेस्ट लेक्चर एंड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो भी रेगुलर और पार्ट टाइम एकेडमिक ईयर के जो भी अप्लीकेंट हैं उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे PDF आपको मिलेगी, तो आप सीधे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है, तो मैं ज़्यादा ना टाइम लेते हुए सीधे सीधे आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट है। तो जैसा कि मैं देखता रहता हूँ कि एजुकेशन से संबंधित जो कि हमारे चैनल का भी बेस है, उसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं या उससे संबंधित कोई भी न्यूज़ हो तो मैं प्रयास करता हूँ वो आप तक पहुँचे। और यहाँ पर फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, प्रोफेसर एकेडमिक पे एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र में ST की यहाँ पे एक पोस्ट दिखाई दे रही है जो डायरेक्ट है। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की बात हो रही है, वहाँ भी एजुकेशन में है OBC। और कुछ संस्कृत से संबंधित जो है वो यहाँ पे पोस्ट शो कर रही हैं, जैसे व्याकरण लिखा हुआ है, ज्योतिष लिखा हुआ है, अद्वैत वेदांता है, विशिष्ट अद्वैत वेदांता है, और योगा है, धर्मशास्त्र है, साहित्य है, और पुराणहितास है। तो ये कई पोस्ट हैं। अगर ये भी आप से संबंधित हैं या आपने इसमें भी कुछ PhD वगैरह कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो इसमें एजुकेशन की 8 पोस्ट हैं और वो भी 3 SC की हैं, 1 ST की है, 3 OBC की हैं और एक मतलब जनरल की है। इस तरीके से इसमें भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे शो कर की गई हैं। तो मैं यहाँ चीज़ बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट और भी हैं अलग से जिसकी एलिजिबिलिटी आप जब अगर आपको लगता है कि इसमें आप एलिजिबल हैं, क्योंकि लगभग लगभग जितने भी इसमें पोस्ट हैं सब में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस होल्डर अगर आप हैं तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर कोई खास आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे इसमें। तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अच्छे से सारी चीज़ें क्लिक करिए, अगर सब्जेक्ट मैच करता है तो, क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो फिलहाल इसमें नहीं ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिलहाल आपको इस वाली वेबसाइट को ध्यान रखना है और ये आप डालिएगा sbsrsv.ac.in, और उसके बाद आपको 2000 की फीस देनी है। यहाँ पर रिलैक्सेशन है, अगर ST OBC EWS के कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये देंगे। और ये काम जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ड्यूली फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/7/21। यहाँ पर पहले तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शैल बी रीच्ड बाई पोस्ट ऑन और बिफोर 17/7/2021। तो यहाँ पर पोस्ट भी करना है, ऑनलाइन भी आपको फॉर्म भरना है। खास बात ये भी ध्यान रखनी है कि ये यूनिवर्सिटी की पोस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो फिलहाल आपको इस पोस्ट में PhD जो है आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बिना PhD के आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि जो क्लॉज है UGC के रेगुलेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड मेजर फॉर मेंटेनेंस स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन 2018, PhD डिग्री शैल बी ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/21। तो ये फिलहाल आपको ध्यान रखना है, और अगर PhD है तो ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी आप अगर इसमें एलिजिबल हैं, PhD है आपके पास, तो बहुत लंबी चौड़ी PDF यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको अच्छे से नॉलेजफुल तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ हो सकता है ये जो भी वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही जो वीडियोज़ हैं आने वाले उसमें हम मिलते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।